हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम करेंगे बेसिक रीजनिंग का सैम्पल पेपर 5 फॉर जेके एसएसबी क्लास 4 रिक्रूटमेंट। इससे पहले हम 4 सैम्पल पेपर्स कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो 4 सैम्पल पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ऐप पर जाकर सैम्पल पेपर्स जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस सभी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आज जो हम 20 MCQs करने वाले हैं वो बेस्ड होंगे ये 8 टॉपिक्स पर जो कि सिलेबस में मेंशन थे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि कंप्लीट द एनालॉजी, 14 और 9 का जो रिलेशन है 26 का किसके साथ होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है कि अगर हम 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 9 मिलेगा। तो अगर ये सेम लॉजिक -5 का हम 26 पे लगाएं तो 21 मिलेगा, बट ऑप्शंस में 21 नहीं गिवन। तो लॉजिक क्या यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में, 14 को डिवाइड किया 2 से एंड वी गेट 7। 7 में हम ऐड कर देंगे 2, तो व्हाट इज़ द लॉजिक हियर, n बाय 2 एंड देन +2। सेम लॉजिक हम 26 पर लगाएंगे, पहले करेंगे 26 अपॉन 2 जो कि होता है 13, और फिर उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, वी विल गेट 15 एज द आंसर। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 15। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है चौक और ब्लैक बोर्ड का रिलेशनशिप और हमें ऑप्शंस में से एक पेयर फाइंड आउट करना है हैविंग द सेम रिलेशन एज चौक ब्लैक बोर्ड। तो चौक और ब्लैक बोर्ड का क्या रिलेशन होता है, चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, सिमिलरली इंक से पेपर पर लिखेंगे, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हर ऑप्शन में 3 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन गिवन है और हमें इनमें से बताना है ऑड वन आउट कौन सा होगा। तो इफ वी सी क्लोजली, लास्ट के जो 3 ऑप्शंस हैं हमारे बी, सी और डी, यहाँ पर पहले हमें वॉवल दिया गया है एंड देन कॉन्सोनेंट एंड देन कॉन्सोनेंट रिपीट। सिमिलरली सी में भी पहले वॉवल है ए और उसके बाद कॉन्सोनेंट रिपीट किया गया है। डी ऑप्शन में भी पहले ई दिया है जो कि वॉवल है एंड देन कॉन्सोनेंट्स, बट ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले कॉन्सोनेंट है एंड देन वॉवल इज रिपीटेड। तो हमारा जो सही आंसर है, जो ऑड वन आउट है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है मून, मार्स, जुपिटर और वीनस, हमें बताना है ऑड वन आउट। तो सोलर सिस्टम के बारे में तो बचपन में हम सब ने पढ़ा है, वी नो दैट मार्स इज़ ए प्लैनेट, जुपिटर भी एक प्लैनेट है और वीनस भी एक प्लैनेट है, बट मून इज़ नॉट अ प्लैनेट। तो हमारा जो ऑड वन आउट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसको, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दीजिए। ये क्वेश्चन बेस्ड है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स पर। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, रोहित सेड, ठीक है, दो लोगों की बात की जा रही है, एक लेडी और एक रोहित। रोहित ने क्या बोला, शी इज़ द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। लेडी जो है वो किसकी वाइफ है, रोहित की मदर के ओनली सन की। तो देखते हैं रोहित के मदर्स ओनली सन कौन होंगे। अगर आप देखें ये रोहित है एंड उनकी मदर है, और मदर का ओनली सन कौन होगा, रोहित ही होगा। तो अगर हम देखें लेडी कौन हो गई, लेडी इज़ द वाइफ ऑफ रोहित, क्योंकि यहाँ पर रोहित अपने आप को ही डिस्क्राइब कर रहा है। माई मदर्स ओनली सन कौन है, वो रोहित खुद है, और लेडी कौन है, वाइफ ऑफ रोहित। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है हाउ इज रोहित रिलेटेड टू द लेडी, लेडी जो थी वो वाइफ थी, तो रोहित कौन हो जाएगा, हस्बैंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर किसी का जेंडर मेंशन्ड नहीं है तो उसको आप खुद से अज्यूम नहीं करोगे कि वो मेल है या फीमेल। तो पूछा गया है आर का पी के साथ क्या रिलेशन है। पी, क्यू और आर जो है तीनों ये सिबलिंग्स होंगे, क्योंकि पी ब्रदर था, क्यू सिस्टर थी, बट आर अभी हमें नहीं पता कि वो ब्रदर है या सिस्टर। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन होता कि आर इज़ ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, इधर ब्रदर और सिस्टर ऑफ पी, तो हम उसको टिक कर देते, बट ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम ब्रदर को टिक नहीं कर सकते,
हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है विच इज़ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वी विल ऑलवेज टिक कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर हमें गिवन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो हम उसको ही टिक करेंगे इफ द जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ हम बना लेंगे ए इज द ब्रदर ऑफ बी. सी इज द फादर ऑफ ए, तो ए के ऊपर हम सी बना देंगे. ठीक है, अब देखेंगे ई जो है वो डॉटर है बी की, तो बी की डॉटर होगी ई. डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो ई का ब्रदर है डी, तो प्लस साइन. यहाँ पर बी का जेंडर नहीं दिया हमने, बी के ऊपर प्लस या माइनस कुछ नहीं लगाया. पूछा गया है हु इज द अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल कौन होगा. बी जो है वो तो पेरेंट है, तो बी जो है वो फादर या मदर होंगे डी के. तो अंकल होते हैं फादर के भाई, या फिर मदर होंगी तो मदर के भाई, वो अंकल होते हैं. तो डी के अंकल कौन है यहाँ पर, ए. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है अ मैन वॉक्स 10 meters टुवर्ड्स नॉर्थ. तो हम इस तरह से बना सकते हैं कुछ 10 meters उसने चला नॉर्थ की तरफ, वहाँ से उसने लिया एक लेफ्ट टर्न और 5 meters चला. नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट होता है, तो यहाँ 5 meters बना लेंगे. देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न टू वॉक 10 meters, एक और लेफ्ट टर्न यानी साउथ हो जाएगा. तो यहाँ पर उसने दोबारा से 10 meters चला. फाइनली उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 15 meters चला. साउथ से भी लेफ्ट टर्न लेना है तो ईस्ट, और 15 meters है तो यहाँ तक आ जाएगा वो. ठीक है, पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से वो नॉर्थ गया था सबसे पहले, और फाइनली वो यहाँ पर है. तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो ये वाला फाइंड करना है. दिस डिस्टेंस इज़ 5, द कम्प्लीट डिस्टेंस जो है वो 15 है. तो ये जो डिस्टेंस बच गया वो क्या होगा, 10 meters. तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 meters. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, बस यहाँ पर पूछा क्या गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जब भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट से या किसी पॉइंट से डायरेक्शन देखनी होती है, हमें जहाँ से बोला गया है स्टार्टिंग पॉइंट से देखनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर अपनी डायरेक्शंस बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फाइनली उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट. इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन. क्वेश्चन 10 में हमें पूछा गया है व्हाट विल वेस्ट बिकम. तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक डायरेक्शंस हैं हम वही बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. अब बोला गया साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी जो यहाँ पर नई डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट की जगह वेस्ट आएगा, यानी यहाँ पर आपका वेस्ट आ जाएगा. हमें बोला है व्हाट विल वेस्ट बिकम, यानी यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी ये हमें बतानी है. तो अगर हम देखें साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बना, साउथ ईस्ट गया 1, 2 and 3 प्लेसेस बैक, वो नॉर्थ बन गया. उसी तरह नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बना, तो नॉर्थ ईस्ट से 1, 2 और 3 पोजीशन पीछे जाओ तो वेस्ट होता है. तो यही पैटर्न फॉलो होगा, वेस्ट क्या बन जाएगा, 1, 2 और 3 पोजीशंस पीछे जाके हम देखेंगे साउथ ईस्ट आता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 विच इज बेस्ड ऑन नंबर सीरीज. यहाँ पे हमें सीरीज के 4 नंबर्स दिए हैं, 5th नंबर मिसिंग है, वो हमें बताना है क्या होगा. 68 को 67 बनाने के लिए -1 किया गया, 67 में से -3 किया गया, 64 बन गया. 64 में से -5 कर दो तो यू विल गेट 59. तो ये ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है, यहाँ पर हम -7 कर देंगे. 59 में से 7 माइनस कर दो तो यू गेट 52. तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 52. क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नंबर सीरीज. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंस. जैसे यहाँ आप नहीं बोल सकते कि इधर +6 कर दिया फिर -3, मतलब उस तरह से कुछ लॉजिक नहीं बन रहा. इस क्वेश्चन में जो लॉजिक यूज़ किया गया है वो क्या है कि 3 का स्क्वायर किया तो वी गेट 9. ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया 3 का स्क्वायर
फिर हमने क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो गिवन नंबर था 30 उसका स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हमारे पास आता है 900। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 900। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया, डिफरेंस देखेंगे। 21 में प्लस 2 करके 23 मिलता है, उसके बाद किया गया है प्लस 4, देन प्लस 6, तो 33 में क्या कर देंगे हम, प्लस 8। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 33 प्लस 8 करो वी गेट 41। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड है वेन डायग्राम्स टॉपिक पर। सो वी नो ऑल फादर्स आर मेन। तो फादर्स जो है वो एक पार्ट होगा मेन का, यानी कंप्लीटली उसके अंदर सर्कल बनेगा। एंड देन इंजीनियर्स के केस में क्या है कि इंजीनियर्स सारे के सारे जो है वो मेन नहीं होते, सम इंजीनियर्स आर मेन का रिलेशन है। उसी तरह फादर्स के साथ भी इंजीनियर्स का सम वाला रिलेशन है कि सम इंजीनियर्स आर फादर्स। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, वी विल गेट फादर्स, वी विल गेट मेन, ठीक है, फादर्स देन मेन, बट इंजीनियर्स का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, सम, और सम दोनों के साथ बनेगा, यानी कुछ इस तरह से उनकी इंटरसेक्शन बनेगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, आउटर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेन, ये वाला इनर सर्कल इज फॉर फादर्स एंड दिस इज फॉर इंजीनियर्स। अगर आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस चाहिए और ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप JKSSB क्लास 4 रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वेन डायग्राम की जो वीडियो है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, वो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। यहाँ पर तीन ग्रुप्स दिए गए हैं, एक ग्रुप है वो स्टूडेंट्स का जो कबड्डी खेलते हैं, एक ग्रुप फुटबॉल, और एक ग्रुप दिया है जो क्रिकेट खेलते हैं। हमें पूछा गया है विच पार्ट रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। तो हमें तीनों बताना है कि तीनों में कॉमन, तो हमें वो वाला एरिया देखना है जो तीनों ही स्क्वायर्स का कॉमन है। तो कबड्डी और क्रिकेट का जो है वो ये वाला पार्ट कॉमन है, कबड्डी और फुटबॉल का अगर आप देखो तो दिस पार्ट इज कॉमन। उसी तरह क्रिकेट और फुटबॉल में देखें तो एस और वी वाला जो पार्ट है वो कॉमन है, बट हमें वो देखना है जो तीनों में कॉमन आया। तो ऐसा कौन सा पार्ट था, एस, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस। क्वेश्चन 16 में दिया गया है क्लाउड वर्ड का कुछ कोड एंड देन मार्जिन का कुछ कोड, हमें बताना है मोल्डिंग का कोड। तो अगर हम देखें मोल्डिंग के सारे ही अल्फाबेट्स प्रेजेंट है इन दोनों वर्ड्स में, यानी एम का जो कोड है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा एल, ओ और यू का जो कोड है वो यहाँ से मिल जाएगा टी एंड के, एल का कोड होगा एन, देन हमें देखना है डी का कोड। तो डी का कोड हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट अल्फाबेट, तो वो है सी, एंड देन हमें देखना है आई एन का कोड जो कि है एच और एम, देन हमें देखना है जी का कोड एफ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये, यहाँ पर टाइपिंग एरर की वजह से एफ की जगह ई टाइप हो गया है। तो आप बोल सकते हैं कि डी जो नन ऑफ दीज है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 17, ये बेस्ड है फिगर सीरीज कंप्लीशन टॉपिक पर। एक हमें फिगर दी गई है और ये फिगर बनी है ट्राइंगल से, ठीक है। एक हमें ये ट्राइंगल दिया है, देन दिस ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल जो है वो मिसिंग है, हमें उसको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर फिट होगा। तो ट्राइंगल जो फिट होगा वो तो इस तरह से ही बनेगा, तो ऑप्शन ए और बी जो है वो पहले ही कैंसिल कर दी, यानी ए और बी जो है वो नहीं हो सकता इसका आंसर। सी और डी में से देखना है, सेंटर पे यहाँ पर सर्कल कंप्लीट करना है जो कि डी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल, सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पेल का कोड कुछ दिया गया है नंबर्स में, अर्थ का कोड दिया गया है। इधर अगर हम देखें ई का कोड जो है अगर वो 4 है तो अर्थ में ई का कोड 4 है, यानी पॉल का कोड भी यहाँ से ही निकलेगा। तो अगर हम देखें पी का कोड जो है वो 2 है, ई का कोड इज 4, ए का कोड जो है वो 1 है, आर का कोड है 5, और एल का कोड यहाँ से हमें मिल जाएगा 3। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये भी फिगर सीरीज कंप्लीशन टॉपिक पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल्स बने हैं यहाँ पर वो पॉइंट कर रहे हैं इनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल होगा वो भी कुछ इस तरह से पॉइंट कर रहा होगा इनवर्ड्स टूवर्ड्स दिस सेंटर। तो ऐसा ट्राइंगल जो ए ऑप्शन में नहीं है और सी ऑप्शन में भी नहीं है। अब बचे ऑप्शन बी और डी, ठीक है। यहाँ पर हर एक स्क्वायर में
एक ही डॉट दिया गया है अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन में दो डॉट्स शो कर रहा है, तो ये भी कैंसिल कर दो। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये 20 एमसीक्यूज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने पहले के जो 4 सैम्पल पेपर्स थे वो भी प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ में, एंड ये वाला भी मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर वर्ड का कुछ कोड दिया गया है, तो सी और आर को एज इट इज रख दे और बाकी के हर अल्फाबेट में +1। ओ के बाद आता है पी, एम के बाद एन, पी क्यू, यू वी, टी के बाद आता है यू और ई के बाद आता है एफ। और ये जो हमें वर्ड मिला इसी को रिवर्स करके लिख लिया गया है, आर एफ यू वी क्यू एन पी एंड सी, ठीक है। ये हमें गिवन था कोड, ये वर्ड गिवन था और ये कोड गिवन था। सेम लॉजिक हम लगाएंगे मेडिसिन पर। मेडिसिन का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट एज इट इज लिखना है, बाकी हर एक अल्फाबेट में किया गया है +1। तो यानी ई के बाद एफ, डी के बाद ई, आई के बाद जे, सी डी, देन आई है दोबारा जे आ जाएगा और एन के बाद ओ। ये आपका स्टेप 1 था। और फाइनल जो कोड है उसके लिए क्या करना है, इस वर्ड को रिवर्स करके लिख लेना है। तो ई ओ जे डी जे ई एफ एंड एम, ये आपका जो है सही आंसर होगा। तो ये आपको गिवन है ऑप्शन ए में, तो यही आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इसके साथ हमारे 20 एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं, 20 × 5, क्योंकि आज 5th सैम्पल पेपर था। टोटल 100 एमसीक्यूज जो हैं वो अभी तक करवा दिए गए हैं। इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, सॉल्यूशंस आपको सैम्पल पेपर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर 5 वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब भी होगा यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अभी डेट नहीं आई एग्ज़ाम की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी है, यू शुड बी इन प्रैक्टिस कि वेन एवर द एग्ज़ाम कम्स आप उसको करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए तैयार हो। और मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर भी, टेलीग्राम पर भी। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं, तीनों सोशल मीडिया के आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।